हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। भाई आज की इस वीडियो पे मैं आपको कुछ इस तरह का क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा बस 2 मिनट में। अगर आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग भाई बहुत ही कम समय में करना है तो ये वाला वीडियो बस आपके लिए है। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना होगा, ये वाला बैकग्राउंड का आपको ओपन करना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर। पिक्सार्ट ऐप आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो पिक्सार्ट ऐप के अंदर आपका फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो फोटो है वो वाला फोटो को ऐड करना है। तो भाई आपका फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड को सबसे पहले रिमूव करना है। अगर आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड पहले से रिमूव है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड पे फिर से क्लिक करना है और आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगा। देखो कुछ इस टाइप से आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है भाई, आपका फ़ोटो को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लो फ़ोटो के साथ और हार्डनेस को माइनस करो, ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर दो। अब आपको कुछ इस टाइप से भाई एकदम धीरे धीरे से बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है। और भाई मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद भाई आपको यहाँ पे ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे राइट करना है और फिर से ऐड फोटो पे ही क्लिक करके आपको एक एक करके PNG को ऐड करना है। भाई यहाँ पे सभी PNG को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक करके भाई PNG को जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आपको भी वैसे ही लगाना है और इसको यहाँ पे ठीक है। और एकदम लास्ट पे आपको और एक PNG ऐड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली प्रीसेट PNG बैकग्राउंड सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई ये वाला PNG को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ब्लेंड पे क्लिक करके इसको करना है भाई, इसका ब्लेंडिंग को चेंज आपको यहाँ पे करना है भाई स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे लगा देना है कुछ इस टाइप से, इसका ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम करना है कुछ ऐसा। इतना करने के बाद फ़ोटो को यहाँ पे राइट कर दो। अब आपको क्या करना है भाई, आपको FX पे क्लिक करना है। FX पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपल पे करना है क्लिक और डॉजर यहाँ पे फास्ट पे मिल जाएगा, ये वाला इफेक्ट को बस आपको अप्लाई कर देना है। फ़ोटो पे एक सिनेमैटिक टोन ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे राइट करना है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला फ़ोटो को सेव करना है।